देश के बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें बर्बर कहता है, कोई हमें क्रिमिनल ट्राइब कहता है, कोई हमारे लिए प्रिमिटिव टर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मेरे लिए आदिवासी शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द जो है मंजूर नहीं है। तो ऐसे में आदिवासी ये कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू भी नहीं हैं, हम मुसलमान भी नहीं हैं, हम क्रिश्चियन भी नहीं हैं, हम बौद्ध भी नहीं हैं, हम जैन सिख कुछ नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। और लड़ाई जब तक कि आदिवासियों को अपनी वो पहचान वापस नहीं मिल जाती तब तक जारी है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़ और मैं यहाँ जंतर मंतर मौजूद हूँ और यहाँ पर आदिवासियों का जो चमगट है वो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है अभी जानेंगे जितेंद्र मीणा जी से, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ डिमांड है उनकी और क्यों उन्हें यहाँ दूर दूर राज्यों से आना पड़ा दिल्ली में, तो उन्हीं से जानेंगे। तो सर, ये जो आदिवासी है क्यों इकट्ठा हुए हैं सही मायने में? देखिए, आज राजस्थान, MP, हरियाणा और झारखंड और छत्तीसगढ़ और गुजरात, यहाँ के आदिवासी मेनली दिल्ली आए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जनगणना का जो कॉलम है, जनगणना का जो रजिस्टर है, उसमें आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म कोड की व्यवस्था की जाए, जिसे आदिवासी धर्म कोड के नाम से या इंडिजीनियस कोड के नाम से जो है जाना जाए। ये जो मांग है आदिवासियों की बड़े लंबे वक्त से रही है। आज़ादी से पहले अगर हम लोग बात करें तो जब जनगणनाएँ होती थी तो रिलीजियस का जो कॉलम होता था उसमें आदिवासियों के लिए या तो नेटिव एबोरिजिनल और उसके साथ साथ इंडिजीनियस टर्म का इस्तेमाल होता रहा 1872 से लेकर के 1941 तक। लेकिन आज़ादी के बाद उनका ये जो अलग रिलीजियस कोड की जो मांग थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उनकी जगह उन्हें जो है 5-6 जो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इसी कैटेगरीज में रखा गया और इसमें रख करके उनकी अपनी जो मूल पहचान थी आदिवासी की, उस पहचान को ख़त्म कर दिया गया। संविधान सभा के भीतर जब बहस हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा, जो आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे झारखंड से, उन्होंने कहा था कि इस देश के बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें बर्बर कहता है, कोई हमें क्रिमिनल ट्राइब कहता है, कोई हमारे लिए प्रिमिटिव टर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मेरे लिए आदिवासी शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द जो है मंजूर नहीं है। तो अब जब वो आदिवासी आइडेंटिटी की हम लोग बात करें तो आज के दौर में हम लोगों ने देखा कि उसके बाद में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार आदिवासियों को RSS बनवासी बना करके हिंदू बना रहा है। बाकी की सरकारों ने भी हिंदू बनाने की कोशिश की है, कई जगह क्रिश्चियन मिशनरीज अपना ईसाई बना रहे हैं, कहीं पर बौद्ध बनाया जा रहा है, कहीं जैन बनाया जा रहा है, कहीं पर जो है सिख बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है। तो ऐसे में उन सब कन्वर्जन की प्रक्रिया पर रोक लगे, एक आदिवासी एक यूनिट के बतौर ट्रीट किए जा सके और इसीलिए ये मांग जो है यहाँ पर उठाई जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं जो सरकार जो है इस तरीके का मतलब एक डाटा तय कर मतलब बना रही है कि जितने भी आदिवासी और पिछड़े लोग हैं उनको तोड़कर जो हिंदू बनाने की इनकी जो चल रही है एक रणनीति अंदर ही अंदर, क्या ऐसा कुछ वाकई में है? जमीनी स्तर पर भी ये सब दिख रहा है क्या? देखिए, आज़ादी के बाद से ही, क्योंकि जब पहले से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में 5-6 ही ऑप्शन दिए गए तो जाहिर सी बात है कि वो उधर किसी एक को ही चूज करना था, तो आदिवासी की अपनी जो आइडेंटिटी थी वो तो खत्म हो गई थी ना। तो ऐसे में आदिवासी ये कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू भी नहीं हैं, हम मुसलमान भी नहीं हैं, हम क्रिश्चियन भी नहीं हैं, हम बौद्ध भी नहीं हैं, हम जैन सिख कुछ नहीं हैं, हम आदिवासी हैं और आपके ये रिलीजन जब आए हैं उससे पहले से हम इस प्लेनेट पर रह रहे हैं। इस आदिवासियों को नक्सली भी कहा जा रहा है। देखिए, नक्सली तो वो प्रशासन के लोग, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत है उसके चक्कर में वो नक्सली वाली डिबेट तो अलग, नक्सली तो कम्प्लीटली एकदम डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आदिवासियों का जो मसला है वो आदिवासी इस देश में उनके लिए इस्तेमाल करते किया जाता है जो कि इस देश के मूल निवासी है। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो कहता है मार्किंड कार्डजू की जो है उसने पीठ ने वो जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि आर्यंस के इन्वेजन से पहले से जो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो 8% थे, वही इस देश के जो है आदिवासी हैं। और उन्हीं आदिवासियों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इस देश के पूरे हिस्से में रह रहे हैं, अलग अलग
इलाके में आप चले जाएंगे तो आपको आदिवासियों की जो है जनसंख्या जो है और लोग जो है समुदाय मिल जाएंगे। तो ऐसे में आदिवासी अब फिर से अपनी उसी एक आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए वापस अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वापस लौटा दिया जाए। जी सर, इतने लंबे समय बाद क्यों जागा है आदिवासी, इससे पहले क्यों उनमें जागरूकता पैदा नहीं हुई या कुछ? देखिए, अगर इतने समय बाद क्यों, ये एक चीज़ मैं बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मांग हो रही है। उससे पहले कुछ महीने पहले यहीं जंतर मंतर पे ही आदिवासी आए थे, जिसमें कि गोंडवाना और उसके अलग अलग हिस्से के लोग थे और उन्होंने भी आदिवासी को धर्म कोड की मांग को किया था। तो ये मांग जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही है, आंदोलन कहीं ना कहीं चला नहीं। नहीं, आंदोलन भी चले हैं लेकिन दिल्ली तक आने में जो है लंबा वक्त लगा है। दूसरी चीज़ ये है कि आदिवासी आज की तारीख में बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। कहीं वो ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं पर उसके इलाके को जो है उसको जो है पूरा जंगल उसका छीन लिया गया, कहीं उनके घरों को उजाड़ दिया गया, उस जमीन को अपनी वापस अपने घरों को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो अलग अलग कहीं डैम बना करके उनके गाँव डुबो दिए गए हैं, कहीं माइनिंग चल रही है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो लड़ रहा है। ऐसे में उन सबसे लड़ते हुए भी वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए दिल्ली आ रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा, बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं दिखते, उसकी कई वजह होती हैं कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए जो एक बार में सारे लोगों को आ सके। लोग लगातार यहाँ कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा, हर 2-3-4 महीने में लोगों की जो है सीरीज सीरीज आती रहते हैं और वो चलते रहते हैं। हाँ, तो बड़े पैमाने पे नहीं लेकिन रेगुलर इसी तरीके की जो गैदरिंग्स है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। जी, तो क्या कुछ कदम रहेंगे और कितना आंदोलन ये मतलब चलेगा? देखिए, ये आंदोलन तो चलेगा क्योंकि ये अस्तित्व की जो लड़ाई है, ये पहचान की भी लड़ाई है। तो ऐसे में इस पहचान की, जब तक लोगों को आदिवासियों को अपनी पहचान नहीं मिल जाती तब तक ये लड़ाई जारी है। और धीरे धीरे आज यहाँ पर लगभग 500 की तादाद में है, कल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, तो वही धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। और आज दिल्ली में है, कल अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो लड़ाई चल रही है और लड़ाई जब तक कि आदिवासियों को अपनी वो पहचान वापस नहीं मिल जाती तब तक जारी है। अभी हमने जितेंद्र मीना जी से जाना, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या डिमांड है आदिवासी लोगों की, जो आंदोलन इनका लंबे समय से चलता आ रहा था उसको अब दोबारा से ये चला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं मगर इनका कोई सुनने वाला नहीं था, मगर अब अलग अलग राज्यों से भी यहाँ लोग जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और इस आंदोलन को उग्र बनाएंगे। और अभी कहा भी जा रहा है कि इस आंदोलन को ध्वस्त नहीं होने देंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें घेराव तक करना पड़े। तो अब इनकी जो डिमांड और मांगे हैं और लेकर ये अब जुट चुके हैं एकता से और एकत्रित हो चुके हैं, तो अब देखने वाली बात यह है कि इनका आंदोलन कितना बड़ा रूप लेगा, तो वही हम देखते रहेंगे। इसी जनहित आवाज़ पे आप देखते रहिए, जब तक नमस्कार।